हाय फ्रेंड्स, मैच देखा आपने? बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है इंडियन टीम ने, इंडियन वीमेंस टीम ने। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है और 118/6 जबरदस्त बॉलिंग हम बोलेंगे की है इंडियन बॉलर्स ने। और जैसा मतलब इतना उम्मीद नहीं थी, बट यस, बहुत बढ़िया बॉलिंग। रेणुका सिंह ने 4 overs 22 runs 1 maiden, पूजा वस्त्राकर 4 over 1 maiden 21 run 1 wicket, राजेश्वरी गायकवाड़ ने भी ठीक, दीप्ति शर्मा इस समय अपने मुझे लगता है कि सबसे अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। सो आई गेस कि अच्छा रहेगा अभी तक, क्योंकि उन्होंने आज भी 4 overs 15 run 3 wickets लिए, तो दैट इज रियली कमेंडेबल जॉब। फिर उसके बाद शेफाली वर्मा ने भी 1 over किया, राधा यादव ने 1 over किया, देविका वैद्य ने 2 over में 16, थोड़ा सा कह सकते हैं महंगा, बट यस ओवरऑल दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो अगर हम फर्स्ट इनिंग एंड पे अगर बोले तो इंडिया डिड अ फैंटास्टिक फैबुलस जॉब इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। सो आई गेस कि आगे भी उनका अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। और बैटिंग अभी हम जैसी देख रहे हैं, 1 over में 14 runs हो गए हैं, तो वेरी वेरी इम्प्रेसिव बैटिंग भाई शेफाली वर्मा, 1 over में 3 chaukes एंड 12 runs, सो इट वाज रियली अ नाइस स्टार्ट। अब ये है कि अगर हम 2 मैच जीते हैं तो हमारा आगे क्वालिफिकेशन के लिए जो वो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप इंडिया आज का मैच कंफर्टेबली जीते और उसके बाद हम आगे क्वालिफाई करें, आगे फाइनल तक जाएं। तो उम्मीद यही है मेरी, और आई गेस हम सभी जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबकी यही उम्मीद है कि इंडियन टीम जाए और इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीते। तो आप बहुत ही अच्छी स्टार्ट करी है अभी, और अगर मैं पहला ओवर अगर देखूं तो पहला ओवर जो कॉर्नल ने किया है अच्छा था, बट स्मृति जो शेफाली है उसने पूरा डोमिनेट किया उस पूरे ओवर में। ये ओवर में भी देखिए पहली बॉल पे 1 run दे दिया स्मृति ने, क्योंकि उनको पता है कि शेफाली इस समय अच्छे टच में है एंड शी कैन टेक द गेम अवे, और वही उन्होंने किया। जैसे उनको चांस मिला उन्होंने पहली बॉल पे चौका मारा, तो 1.3 over 20 runs और कोई भी विकेट नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट आई कैन से कि है ना। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है, राइट। तो फिर मैच एंड होने पे फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। तो ये अपडेट था, ये मुझे देना था, मैंने आपको दिया। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।